तो अभी बच्चों के बीच में युद्ध चल रहा है और माइनक्राफ्ट की पूरी कम्युनिटी पूरी तरीके से हिली हुई है। कोई किसी को सही, कोई किसी को गलत बोल रहा है और इन सब के बीच में कुछ गालियां मोजेंग को भी पड़ रही है। पर इन सब के पीछे की वजह क्या है जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब करने से पहले चैनल को एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रेगुलरली माइनक्राफ्ट पर वीडियोस नहीं बनाता। बाकी इस वीडियो को तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो हेलो गेमर्स, कैसी चल रही तुम्हारी गेमिंग? तो गेम के चक्कर में दिन में एक दो गालियां सुनते होगे नहीं अपने पेरेंट्स से। वीडियो के टॉपिक से भटक जाऊं, उससे पहले टॉपिक पे आ जाता हूं। मोजंग ने कुछ समय पहले 3 मॉब्स को अनाउंस किया था, जिनमें से एक आर्बर डीलो था, दूसरा क्रैब था और तीसरी थी पेंगुइन। और इन तीनों मॉब्स को लेकर लोगों में काफी ज्यादा हाइप थी। स्पेशली ये दो मॉब्स आर्मरडिलो और क्रेप, ये दोनों मॉब्स काफी पसंद आ रहे थे लोगों को, और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये बहुत काम के मॉब्स थे। क्रेप की मदद से तुम दूर तक ब्लॉक को प्लेस कर सकते हो, सोचो ये एबिलिटी कितनी ज्यादा काम में आती तुम्हारे। आर्मरडिलो की मदद से उसकी स्किन का आर्मर बना सकते हो तुम अपने वुल्फ के लिए, यानी अब तुम्हारा वुल्फ पहले से थोड़ा ज्यादा सर्वाइव करेगा। और तीसरी थी पेंगुइन, जिसकी एबिलिटी ये थी कि वो तुम्हारे आसपास होगी तो तुम्हारी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। ये इतनी खास नहीं थी, पर हाँ इसकी जो एनिमेशन है ना वो ज्यादा प्यारी लगी मेरे को बाकी दोनों करते। वैसे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में मॉब्स को लेकर कंट्रोवर्सी होना ये तो हर बार का है, क्योंकि सीधी सी बात है हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, और जब भी किसी के पसंद का मॉब हारता है वो दूसरे बंदे को गाली देता है जिसकी पसंद का मॉब जीता हो, या फिर वो मोजंग को गाली देता है। पर इस बार की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्योंकि इन मॉब के आने से पहले कई सारे यूट्यूबर्स ने कुछ पोल्स करवाए थे इन मॉब को लेकर, जिनमें क्लियर विन था क्रेब। पर जब मोजंग का रिजल्ट आया और उसमें जो विनर था वो था आर्मर डीलो, तो इसके बाद लोगों का कहना ये था कि आर्मर डीलो को जो है फेक वोट मिले और इसीलिए वो जीत गया। क्योंकि जब इन मॉब्स को वोट देने का टाइम चालू था तब कुछ स्क्रिप्ट सामने आई थी जिनकी मदद से तुम अपने पसंदीदा मॉब्स को जितने चाहे उतना वोट दे सकते हो। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी पे मोजंग ने भी रिएक्ट किया है। उसने कहा है कि नहीं, जो भी वोटिंग हुई है वो पूरी तरीके से जेन्युइन थी, क्योंकि इस तरह की किसी भी सिचुएशन के लिए मोजंग पहले ही तैयार था, उन्हें पता था कि फेक वोट हो सकता है। अब ये कंट्रोवर्सी के बाद तो कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि मोजंग वोटिंग करवाने का फायदा क्या है, वो खुद ही क्यों नहीं कोई भी मॉब इंक्लूड कर देता। तो चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जो मोजंग काफी टाइम से यूज करता आ रहा है, और फन फैक्ट ये है कि अभी तक ज्यादा लोगों ने इस पर नोटिस नहीं किया है। तुम हमेशा एक चीज देखोगे कि माइनक्राफ्ट की वॉच लिस्ट का जब भी ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाता है तो मोजंग की तरफ से कुछ मॉब्स अनाउंस होते हैं, और फिर जब बारी आती है वोटिंग की और उन तीनों मॉब्स में से कोई एक मॉब जीत जाता है और बाकी जो दो मॉब्स लोगों को पसंद थे वो नहीं जीत पाते, इससे क्या होती है, इससे क्रिएट होती है कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से ग्राफ का वो ग्राफ जो नीचे जा रहा था वो एक बार फिर से ऊपर जाने लग जाता है। ये मार्केटिंग टिप है, सीख लो फ्री में मार्केटिंग खुद की कैसे करवाई जाए। वैसे अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो मैं शायद मोजंग के साथ भी हूँ, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट के नंबर मोजंग ने दिए टोटल और जो फेक वोट के नंबर थे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो हो सकता है कि जो भी वोटिंग थी वो एकदम जेन्युइन नहीं थी। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है, तीनों मॉब्स में तुम्हारा फेवरेट मॉब्स कौन सा था? मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से आर्मर डीलो ही बेस्ट था, क्योंकि उसकी स्किन से तुम वुल्फ के लिए आर्मर बना सकते हो। अगर वो ज्यादा काम का नहीं भी है तब भी वुल्फ ज्यादा कूल लगने लगता है उस आर्मर को पहनकर। तो हाँ, मेरे हिसाब से आर्मर डीलो बेस्ट था तीनों में। तुम्हारा बेस्ट मॉब कौन सा था नीचे कमेंट में बताओ। राइट वाली वीडियो को क्लिक करो और जानो कि रॉकस्टार और नेटफ्लिक्स मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं एप्पल के खिलाफ। लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर ये पता करो कि तुम्हारे मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट एमुलेटर कौन सा है, जिसकी मदद से तुम पीसी और कंसोल के गेम्स को अपने मोबाइल पे खेलोगे और वो भी ऑफलाइन। मैं तुमसे मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायो नारा।